सोशल डिस्टेंसिंग की बड़ी बात चल रही है, यहाँ वैक्सीन अभी आई नहीं है बेटा, आने वाली है। तो हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो डिस्टेंसिंग है ना, कोरोना ने बड़ा गजब का काम किया है, इसने हमें दूरियों का महत्व बताया है। वरना पहले प्यार का मतलब होता था पास आ जाओ, अब प्यार का मतलब है दूर हो जाओ। तो मेरे प्यारे छात्रों, थोड़ा सा दूर हो जाओ, थोड़ा सा दूर हो जाओ। डॉक्टर कुमार विश्वास जी का बड़ा मशहूर मुक्तक है ना, अगर कोरोना काल में वो लिखते तो क्या लिखते, चार पंक्तियां सुनाता हूँ, लगे कि आनंद आ गया है तो बताना, उन्हीं की ब्रांडिंग मैं कर रहा हूँ, मुझे अलग से लिफाफा दिया उन्होंने, ऐसे थोड़े मैं यहाँ पे आया हूँ फालतू में, थोड़ा सा कर देता हूँ। वो क्या लिखते कोरोना काल में कि कोई पाना समझता है, कोई खोना समझता है, और बचा रहता है वो जो हाथ का धोना समझता है। ताली बजाइए, सूचित करिए कि कोई पाना समझता है, कोई खोना समझता है, बचा रहता है वो जो हाथ का धोना समझता है। तुम मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, इसे हम दोनों से बेहतर ये कोरोना समझता है। ये बदल गया है, समय के साथ साथ चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। मजाज लखनवी आपके शहर के बड़े शायर हुए, वो क्या कहते कि तुझे आती है खांसी, ये बता देती तो अच्छा था। अगर हम प्रेम में हैं तो इस समय आप सब कुछ छिपा लीजिए कि आप बेरोजगार नहीं हैं, है ना, आप कुछ करते नहीं हैं, लेकिन अगर आपको खांसी आती है तो ये कभी ना छिपाइए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। कि तुझे आती है खांसी, ये बता देती तो अच्छा था, मेरा तू आइसोलेशन करा देती तो अच्छा था, और तेरे चेहरे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन इसे कटवा के जो तू मास्क बनवाती तो अच्छा था। ये वो दौर है जब मुंह छिपा करके जीना बड़े गर्व की बात हो गई ना, इससे पहले कहते थे वो देखो मुंह छिपा के जा रहे हैं, आज मैं देख रहा हूँ पूरा विश्वविद्यालय मुंह छिपा के बैठा हुआ है। ये दृश्य इस कोरोना काल ने हमको मुहैया कराया है, और इस मास्क ने बड़ा गजब, वो आंदोलन कर रहे हैं आगे, ये मुफलर निकाल दीजिए, अच्छा थ्री लेयर वाला है, थ्री लेयर मुफलर भी आने लगे हैं। हाँ ठंडी लग रही है और गर्मी अभी आ जाएगी, है ना, गर्मी आने ही वाली है थोड़ी देर में, आपकी सारी ठंडी दूर हो जाएगी। हाँ तो मैं बता रहा था, मास्क ने बड़ा गजब का काम किया दोस्तों, इसने ऊंची नाक के गर्व और नीची नाक के शर्म को एक ही आवरण से ढकने का काम मास्क ने किया है। और मास्क ने क्या किया, इसने मुस्कुराहट और मनहूसियत को एक कर दिया है। अब आप कोई मास्क लगाए हैं, आप पता नहीं कर सकते कि मुस्कुरा रहा है या फिर दर्द में है। चार पंक्तियां आपको और सुनाता हूँ, राहत इंदौरी साहब क्या लिखते आने ही वाले हैं, ये चार सुन लीजिए बस। कि राहत इंदौरी साहब बड़ा मशहूर शेर है ना, कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, वो क्या कहते कोरोना काल में, सुनिएगा आनंद लेकर के, कि जो आज साहिब नजला हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब नजला हैं कल नहीं होंगे, जहर है ये कोई संजीवनी रस थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ कोरोना में, किसी के बाप का ये वायरस थोड़ी है। अब ये पता चल गया है कि हर जाति हर धर्म हर मजहब हर जगह कोरोना विद्यमान है, इसको किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए कोरोना गायब करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे एक नज़र आया है, चुनाव करा दीजिए, कोरोना चला जाएगा। यहाँ भी अभी उत्तर प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ सोचे चुनाव हो जाए तो यहाँ कोरोना कहाँ दिखेगा, बड़े रैलियों में भीड़ होगी, या तो चुनाव करा दीजिए या फिर डॉक्टर कुमार विश्वास का शो करा दीजिए। दोनों से ही लगता है कि कोरोना वोरोना सब चला गया। अच्छा हम उस सरजमी पर खड़े हुए हैं दोस्तों, जो लखनऊ के सरजमी है, ये वो धरती है जहाँ मन कामेश्वर मंदिर में रोज़ा इफ्तार की पार्टी होती है, तो बड़ा इमाम बाड़ा के सामने बड़े मंगल के लड्डू बटते हैं, ये वो सरजमी है लखनऊ की। ये वो सरजमी है जहाँ संजय मिश्रा शौक जैसा शायर मुशायरों में नात पढ़ के रुला देता है,
और बक्से का ताल रामलीला में अरमान और सलमान नाम के दो भाई राम और लक्ष्मण का किरदार अदा करते हैं। ये वो लखनऊ की सरजमी है दोस्तों, ये वो सारे राम भक्तों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मंदिर बनने वाला है, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि राजा वो नहीं होता है जो देश में मंदिर बनाए, राजा वो होता है जो पूरे देश को ही मंदिर बना दे।